सत श्री अकाल स्पीड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चोणों तो पहला नागरिकता एक्ट को लागू करना भाजपा की वोट बैंक की गंदी राजनीति है। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि इस कानून रद्द किया जाए। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इस कानून राही केंद्र च भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने पाकिस्तान से बंगलादेश तो वड्डी गिनती च करीब घट गिनतियां के भारत आने के दरवाजे खोले ने। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर ने कहा कि भाजपा साढ़े लोगों का पैसा पाकिस्तान से बंगलादेश तो आए गरीब प्रवासियों को इतने नौकरी से घर देकर वसाने लिए खर्च करना चाहती है। जिला हुशियारपुर के गढ़दीवाला तो वड्डी खबर सामने आई। इतने नेड़ले पिंड रमदासपुर विखे छोटे भरा ने वड्डे भरा का बेरहमी नाल तेज तार हथियार नाल कतल किया। मृतक की पहचान मनजोत सिंह वासी रमदासपुर वजो हुई है। मुलजम मनप्रीत सिंह ने कतल करने तो बाद पिंड के सरपंच शमिंदर सिंह नूं फोन ते कहा कि साडे घर बंदे पै गए। सरपंच वालों तुरंत गढ़दीवाला पुलिस नूं सूचित किया। जदों पुलिस सरपंच नाल मौके पुजी तां घर दीआं लाइटां बंद सी ते घर दा बाहरला गेट भी लग्या होया सी। पुलिस वल्लों जदों कमरे अंदर जाके देखिया तां मनजोत सिंह खून नाल लथपथ पिया सी। फिलहाल पुलिस वल्लों मौके ते पुज के स्थिति दा जायजा लैके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिला तरन तारण के पिंड पंडौरी गोला विखे दिन दिहाड़े नौजवान का गोलियां मार के कतल किया गया। जानकारी देते हुए मृतक के भरा ने दसिया कि पिंड साल को पहला इन्हों वालों कुड़िया नाल छेड़खानी की गई। साडे वालों उन्होंने रोकया गया। इस पंचायत में राजीनामा भी होया सी पर अज उसे रंजिश तहत घर का बूहा खड़का के उसके भरा गोलियां मार के उसका कतल किया गया। मौके पर पुजे जांच अधिकारी का कहना है कि कोई पुरानी रंजिश तहत यह कतल होया। मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। फरीदकोट की केंद्रीय मॉडर्न जेल में मोबाइल फोन बरामद करने का सिलसिला जारी। दस दिए कि फरीदकोट की मॉडर्न जेल में एक बार फिर 24 मोबाइल फोन, एक मोबाइल चार्जर से 43 पीले रंग के पैकेट बरामद हुए हैं। दस दिए कि समान जेल स्टाफ की तलाशी मुहिम दौरान मिले। जेल स्टाफ वालों तलाशी मुहिम दौरान वख-वख थावां ते समान लवारिस हालत में बरामद किया गया। जेल प्रशासन अनुसार इन्हों 6 मोबाइल बैरकों से मिले हैं, जदों की बाहरों सुटिया गई गेंदा चो 18 मोबाइल से होर समान बरामद हुआ। जेल प्रशासन की शिकायत से थाना सिटी में अणपछाते व्यक्तियों विरुद्ध केस दर्ज किया गया। लुधियाना बस स्टैंड नेड़े पंजाब पुलिस की बस ब्रेकां फेल होने कारण हादसाग्रस्त हो गई। ड्राइवर बस तो कंट्रोल गुआ बैठा, जिस कारण बस शराब के ठेके का शट तोड़ के अंदर वड़ गई। इस नाल ही बस च 13 तो वध पुलिस मुलाजम सवार सन। खुशकिस्मती रही कि हादसे में 4 पुलिस मुलाजमान नूं सट्टां लगी। हादसे सूचना मिलने तो बाद थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस मौके पर पहुंची तो घटना स्थान का जायजा लिया। जख्मी पुलिस मुलाजमान नूं हस्पताल दाखिल कराया। दस दिए कि पुलिस मुलाजम चंडीगढ़ तो फिरोजपुर ड्यूटी लिए जा रहे सन। बस स्टैंड पुल तो उतरते समय अचानक उसकी ब्रेकां फेल हो गई, जिस कारण यह हादसा वापर गया। पंजाब के राजपाल ते चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ नगर निगम हाउस में 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने दे मुद्दे ते काफी नाराज नजर आए। पंजाब राजभवन च आयोजित प्रोग्राम च उन्होंने कहा कि इस नूं स्वीकार करने ही करनगे। प्रशासक ने भाजपा के नाल आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठजोड़ भी ताड़ना देंदे कहा कि एक पार्टी ने 20,000 लीटर पानी मुफ्त, दूजी ने 40,000 लीटर पानी देने का वादा किया। जनता को इस तरह मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। प्रशासक ने कहा कि जदों चंडीगढ़ ने 24 घंटे पानी के प्रोजैक्ट लिए 15 सालों का समझौता किया तो मुफ्त पानी किवें दिता जा सकता। नायब सैनी नूं मुख्यमंत्री बनाए जाने तो बाद हरियाणा के साबका गृह मंत्री अनिल विज नाराज दसे जा रहे हैं। वह बीते दिन सौचक समागम में भी शामिल नहीं हुए। हालांकि अनिल विज ने कहा कि वह नाराज नहीं, उन्होंने कहा कि हालात बदलते रहते हैं। साबका मंत्री ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का भगत हाँ, मैं हर हालत में भाजपा लिए काम किया, हूँ भी करा, मैं पहला नालों ज्यादा करा। सूत्रों मुताबिक JP नड्डा वालों 2 बार फोन किए जाने तो बाद फ्लोर टैसट में हिस्सा लैन को लेकर अनिल विज का रवैया नरम हो गया। हालांकि नाराजगी अजे भी बरकरार है। सुखदेव सिंह ढींसा के श्रोमणी अकाली दल में वापसी तो बाद हुण बीबी जगीर कौर की भी वापसी हो सकती। सूत्रों तो मिली जानकारी अनुसार इस संबंधी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल 14 मार्च दिन वीरवार को दोपहर 1 बजे बेगोवाल पहुंचेंगे, जिथे बीबी जगीर कौर मुड़ श्रोमणी अकाली दल में शामिल करेंगे। दस दिए कि बीबी जगीर कौर को पार्टी विरोधी गतिविधियां कारण पार्टी तो मुअत्तल किया गया। इस तो पहले बीबी जगीर कौर कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने कदे भी पार्टी नहीं छड़ी, सगो पार्टी ने उन्होंने विरुद्ध कार्रवाई की। खबरों अनुसार श्रोमणी अकाली दल के जनरल सकत्तर दलजीत चीमा ने भी बीबी जगीर कौर के पार्टी में शामिल होने संबंधी पुष्टि की थी। पाकिस्तान से पंजाब की नवी बनी मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने स्कूलों पंजाबी नूं विषय वजों शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने इस फैसले का पाकिस्तान के पंजाबी प्रेमियों वालों स्वागत किया गया। जिक्रयोग है कि लहिंदे पंजाब के स्कूलों कदे पंजाबी नूं विषय वजों नहीं पढ़ाया गया। इस बारे 2004 कोशिशां हुई सन पर कदे अमल च नहीं आ सके। मरियम ने खुद को मुख्यमंत्री का अहुदा सौंपण लिए पंजाब के लोगों का धन्यवाद किया। पाकिस्तान च पंजाबी सभ्याचार नूं हल्लाशेरी देने लई कई ऐलान किए। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि जेकर उन्होंने पार्टी सरकार बनाई है तो वह जाति आधारित मर्दशुमारी आर्थिक और वित्तीय सर्वेक्षण करवाएगी तो जंगलात अधिकार एक्ट को भी मजबूत बनाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के गुजरात तो महाराष्ट्र में प्रवेश करने तो बाद सूबे के आदिवासी बहु गिनती वाले नंदूरबार जिले च बोलदे उन्होंने कहा कि आदिवासी भारत की आबादी का 8% हिस्सा ने तो कांग्रेस यकीनी बनाएगी कि उन्होंने विकास अनुपातक हिस्सेदारी मिले।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहुं चुकन तो बाद एक दिन बाद विधानसभा च भरोसे का मता पेश किया। विधानसभा के स्पीकर ने प्रस्ताव से चर्चा लई 2 घंटे का समा तय किया। भरोसे का प्रस्ताव रखे जाने इस पर चर्चा शुरू होने से जन नायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली, राम कुमार गौतम, ईश्वर सिंह राम निवास से जोगी राम सिहाग सदन तो वाकआउट कर गए। जेजेपी ने एक व्हिप जारी करके अपने 10 विधायकों विश्वास प्रस्ताव से वोटिंग दौरान सदन तो गैर हाजिर रहने लिए कहा। राज्य के सबका गृहमंत्री अनिल विज सदन में मौजूद सन। मुख्यमंत्री वालों पता पेश करने तो पहला कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता जल्दबाजी में विधानसभा सैशन सदन बारे सवाल पूछे। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इन्ना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।